तो भाई साहब स्वागत है आपका दूसरे ब्लॉग में, एक और नए ब्लॉग में, शिव राशिद के ब्लॉग्स में। आ गए हैं सोमवार मार्केट, लगा दी दुकान अपने, आज टाइम से हैं। अब बस बोनी करनी है और लाइट लगानी है। टाइम हो गया 6:15 और बोनी हो गई 110 रुपये से। सोमवार मार्केट की अच्छी शुरुआत। एक घंटा हो गया है बोनी होने के बाद और तब से अभी तक खाली खड़े, सिर्फ आवाज़ लगा रहे हैं। आज लोग पूछ के आ रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे भाई, भीड़ तो पूरी है आज। पता नहीं मंडे मार्केट को क्या हो गया है कि बोनी के बाद से अभी तक कोई कस्टमर लेके नहीं गया दोबारा कुछ, नहीं तो यहाँ पर तो हर टाइम सेल होती रहती है। बट कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। आज लोगों को ज़रूरत नहीं होगी जरा आपकी, और क्या हो सकता है। तो 7:45 के करीब दोबारा से थोड़ी बोनी हुई है, 70 रुपये की दुकानदारी हुई है अभी। तो अभी हम पहुंच गए हैं 70 रुपये के आसपास में। मज़ा आ रहा है, आज ठंडा चल रहा है मार्केट, कभी कभी चल सकते हैं। भाई साहब आज तो गायों ने आतंक मचा रखा है बिल्कुल, मतलब हर एक मिनट में गाय आ रही है, हर एक मिनट में पिट के गई है अभी यहाँ से। 9 बजने वाला है और लमसम सेल आधी हुई है, इतनी होती है इस टाइम तक। और दिन अच्छी सेल होती है लेकिन आज थोड़ी सेल आधी हुई है, लेकिन ठीक है, चल रही है मार्केट, कम से कम मार्केट चल रहा है। और जगह की तरह नहीं कि बिल्कुल सेल नहीं हो रही, सेल हो रही थोड़ी थोड़ी। थोड़ा भीड़ बस अब कम हो रही है धीरे धीरे मार्केट में, बट ये मार्केट ना 10:30-11 तक चलता है, तो भीड़ दोबारा हो सकती है अभी दोबारा से। तो भाई साहब मंडे बाजार ने अपना काम कर दिया है। अभी 9:30 बजे जस्ट एकदम से ही सेल हुई और बहुत अच्छी सेल हुई, मतलब क्या बताऊँ इतनी अच्छी सेल हुई है अभी, मतलब कम से कम 350-350 की एक बार में सेल हो गई है। तो चलो मार्केट तो अपना काम कर रहा है, अपना काम करते हैं जल्दी से, और एक घंटा और बचा, एक घंटे और सेल करते हैं। हाँ तो भैया सामान दिया है बढ़ा, दुकानदारी हो गई ख़त्म, चला जाए अब मार्केट, हो गया है समाप्त। थोड़ा वो चल रहा है, सब्जी वाला वो चल रहा है, हमारा ख़त्म हो गया, चलते हैं घर। तो दोस्तों आ गए घर पे और खाना भी खा लिया है और पैसे काउंट कर लिए हैं। तो आज की जो शुरुआत थी वो मतलब सही हुई थी, लेकिन फिर मार्केट भी जो ना मंदा पड़ गया, मतलब ऐसा लगा यार आज तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये तो अफसोस नहीं था, क्योंकि हर मंडे जो है ना थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही थी, सही चल रहा था, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, एक मंडे हर जगह जाएगा कोई दिक्कत नहीं। बट फिर स्टॉक मतलब फिर क्या हुआ, एकदम से ही मंडे ने अपना कमाल दिखाया। और क्योंकि बाजार के बीच में हुई तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो वहाँ पर पूछने वाले भी बहुत हैं और देखने वाले भी बहुत हैं और ले जाने वाले बहुत हैं। तो जितने पूछने वाले थे ना, मुझे लगा पहले तो पूछ के सब चले जाएंगे, आज कुछ कोई लेगा नहीं, फिर लेने वाले भी आए और फिर अच्छी सेल हो गई। ठीक है, अगर मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि जो पूछने वाले हैं अगर वो भी लेके चले जाएँ तो मेरी सेल कितनी अच्छी हो जाए, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते आज की सेल कितनी, 500 रुपये, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, तो ये 1000 रुपये की जो है वो आज की सेल है हमारी। तो ये भी मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इतना होगा, लेकिन हाँ हो गया, अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब से मैं पिछला हफ्ता मेरा बिल्कुल ठंडा गया, मतलब कि बुधवार तो ख़राब था ही था, और फिर भी शुक्र और शनि मेरी छुट्टी हो गई, कुछ भी नहीं कमाया, 1 टका भी नहीं कमाया। ठीक है, तो आज की सेल देख कर मुझे राहत मिल रही है कि चलो कुछ तो आया ना। तो अब इसमें से वही 200 रुपये रश्मि को, 50 रुपये ये, बाकी 10-10 मम्मी और बाबू, और 700 कुछ बचेंगे वो हमारे पास रहेंगे, वो हमारे सामान के लिए रहेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आज वर्कआउट नहीं करा, वर्कआउट भी अब कल ही करेंगे। तो आज का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरे बाजार के ऊपर था और कुछ भी नहीं, बाकी ये है कि हाँ रश्मि की तबीयत वगैरह जो है वो अभी नॉर्मल चल रही है, स्टेबल है, और कुछ नहीं। चलो जी फिर मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, और फिर दिखाते हैं कि कल पूरे दिन क्या करते हैं। ठीक है, चलो बाय।